जहां एक तरफ बॉलीवुड तो छोड़ो, बॉलीवुड भी आर रेटेड मूवी बनाने से भाग रहा है, वहीं हमारे सामने एक आर रेटेड मूवी का ट्रेलर आया है, बस्तर द नक्सल स्टोरी। ये बात करती है छत्तीसगढ़ के इतिहास के उन काले दिनों के बारे में, जब हमारे ही देश में हमारे ही सीआरपीएफ के जवानों को, हमारे ही देश के लोगों को कितनी बेरहमी से कुछ माओवादी संगठन मिलकर मार रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह हमारे देश में भी उनका कब्जा हो। उन्हें भी लगता था कि एक दिन वो हमारी सरकार का तख्ता पलट कर देंगे और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेंगे। ये ट्रेलर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखता है कि आज तक हमारे और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए, उसमें हमारे जितने भी बीएसएफ के जवान शहीद हुए, उससे लगभग 2 गुना जवान हमारे अपने देश की आंतरिक मामलों को सुलझाने में शहीद हो गए हैं। ये छोटे छोटे मामले जो नक्सलवादी होते हैं, जो माओवादी होते हैं, मतलब ये मामला तो छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ब्रूटेलिटी इस कदर दिखाई गई है ट्रेलर में, क्योंकि सच को सामने लाने के लिए आप अगर चीजों को छुपाने की कोशिश करोगे, वो चाहते भी नहीं है कि तुम बच्चों को लेके आओ। मुझे नहीं लगता कि वो पैसे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये मूवी बनाई जा रही है, ये मूवी है सच को सामने लाने के लिए। दूसरा, हमारी ऑडियंस भी काफी मैच्योर हो गई है, तो अच्छे चीजों को, अच्छी पिक्चरों को देखने जाती है। तो अब देखते हैं 15 तारीख को थिएटर में लग रही है पिक्चर, क्या रिस्पॉन्स रहता है।